गांधीनगर में कोर्पोरेशन ने मळ्या छे नवा मेयर। सामान्य सभा में मेयर तरीके हितेश मकवाणा की वरणी कराई छे। हितेश मकवाणा वोर्ड नंबर 8 ना कोर्पोरेटर छे। तो गांधीनगर ना नवा डेप्यूटी मेयर तरीके प्रेमल सिंह पूंजाजी गोल की वरणी कराई छे। जसवंत पटेल ने स्टेन्डिंग कमिटी ना चेरमेन बनावाया छे। तो महेन्द्र भाई पटेल, सोनालीबेन पटेल, सोनल बाब वाघेला, दीप्तिबेन पटेल, दक्षाबेन मकवाणा, किंजल कुमार पटेल, शैलेश कुमार पटेल, राजेश कुमार पटेल, संकेत पंजासरा, पदमसिंह चौहान, अंजनाबेन मेहता ने स्टेन्डिंग कमिटीना सभ्य बनाव्या छे। गांधीनगर महानगरपालिकानी चूंटणी में भाजपे प्रथमवार बहुमती मेळवी छे। त्यारे आजे शहेरना पांचमा मेयर तरीके हितेश मकवाणानी वरणी कराई छे। भाजप गांधीनगर शहर प्रमुख रुचिर भट्टे मेन्डेट आप्यो हतो। ज्यारे वोर्ड नंबर 6 ना कोर्पोरेटर गौरांग व्यासे दरखास्त मूकी, वोर्ड नंबर 4 ना कोर्पोरेटर भरत दीक्षिते टेको जाहेर कर्यो। कोर्पोरेशनना मेयर पद प्रथम 2.5 वर्ष माटे एससी माटे अनामत होवाथी वोर्ड नंबर 4 ना भरतभाई शंकरभाई दीक्षित अने वोर्ड नंबर 8 ना हितेश कुमार पूनमभाई मकवाणा रेस में हता। बीजा 2.5 वर्ष माटे मेयर पद स्त्री माटे अनामत होवाथी प्रथमवार कोई पुरुष ने तक अपाई छे। સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ અને સૌનો વિશ્વાસના મંત્રને આગળ વધારતા એક નાના સમાજમાંથી આવતા છેવાડાના માણસને આજે કોર્પોરેટર તરીકે બેસાડ્યો છે, એટલે પક્ષે આ જે કામ કર્યું છે એ ફરી સાબિત કર્યું છે કે અમે આ મંત્ર સાથે આગળ નીકળેલા છીએ। મારા ગાંધીનગરને હજુ તેજ ગતિથી, હજી વિકાસ બનતું, વેગીલું મારું ગાંધીનગર બને એ પ્રાયોરિટી રહેશે। ગાંધીનગરના નવા ડેપ્યુટી મેયર પ્રેમલસિંહ પુંજાજી ગોલ જશવંત પટેલને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન બનાવ્યા છે। તો ગાંધીનગરના નવા ડેપ્યુટી મેયર પ્રેમલસિંહ પુંજાજી જશવંત પટેલને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન બનાવાયા છે। અમિત શાહે મેળવ્યો છે ઉત્તરાખંડની સ્થિતિનો તાગ। શાહે કર્યું પ્રભાવિત વિસ્તારોનું હવાઈ નિરીક્ષણ। નૈનીતાલમાં સ્થિતિ કાબૂમાં છે તેવું તેમનું કહેવું છે। અભી રાજ્ય સરકાર ઓર કેન્દ્ર સરકાર કે ઉચ્ચ સ્તરીય અધિકારીઓ કે સાથ ભી બેઠના હુઆ, પૂરી સમીક્ષા ભી કી ગઈ। एक बात ये सुनिश्चित निकल कर आई कि भारत सरकार की ओर से समय पर चेतावनी मिलने के कारण बहुत कम मात्रा में नुकसान हुआ है, कम से कम जान हानि बहुत कम मात्रा में हुई। अने बात करें शुं रसीकरण नी, દેશમાં કોરોના રસીકરણના 100 કરોડ ડોઝ લગાવવાની ઐતિહાસિક સિદ્ધિ બદલ પીએમ મોદીએ દેશને અભિનંદન પાઠવ્યા છે। અને આ દરમિયાન દિલ્હીની આરએમએલ હોસ્પિટલમાં 100 કરોડ ક્રમાંકનો ડોઝ લેનાર અરુણ રાયની સાથે ખાસ મુલાકાત કરી હતી અને તેમની સાથે વાતચીત કરી હતી। અરુણ રાય પીએમ મોદીના જ સંસદીય વિસ્તાર વારાણસીમાં રહે છે અને ત્યાં એક શાળા ચલાવે છે, સાથે જ દિલ્હીમાં તેમનો વ્યવસાય પણ છે। जितने स्टूडेंट्स हैं उनके गार्डियन, उनके परिवार में थोड़े सीनियर व्यक्ति बाकी है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके स्कूल के सभी बच्चों के माँ बाप उनका वैक्सीनेशन होकर जाना चाहिए। आप जहाँ व्यवसाय करते हैं वहाँ सारे आपके काम करने वालों का हो गया है। आपने पहले लोग समाज में विद्वान शब्द जब कहते थे तो बड़ा मन में कष्ट होता था और अपमान महसूस होता था। રેકોર્ડ રસીકરણ પર કાર્યક્રમ અને કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રીએ ગીત લોન્ચ કર્યું છે। રસીકરણમાં ભારતે ઇતિહાસ રચ્યો છે, સમર્થ નેતૃત્વની આ નિશાની છે તેવું મનસુખ માંડવિયાએ કહ્યું। ઐતિહાસિક 100 करोड़ टीका लगा के एक इतिहास रचा है। इस अवसर पर मुझे केवल इतना ही कहना है, यह
समर्थ नेतृत्व की निशानी है। यह 100 करोड़ टीका लगना है हमारे लिए मोदी जी के संकल्प की कहानी है। 100 करोड़ टीकाकरण ये देशवासियों का विश्वास की अनुभूति है। 100 करोड़ टीकाकरण ये आत्मनिर्भर भारत की दीवाली है। तो भारते कोरोना वायरस रसीना 100 करोड़ डोजनो रेकॉर्ड सर्जो छे अने देशमां कोरोना सामेनी झुंबेश शुरू थयाना 9 महीना पछी भारते आजे 100 करोड़ वेक्सिन डोज आपवानो सीमाचिन्ह पार करी दीधो छे। आ साथे ज आ दिवसने खास बनावा माटे केन्द्र सरकार राज्य सरकारे पण घणा कार्यक्रमनो आयोजन कर्यु अने देशमां रसीना 100 करोड़ने पार करी देता पीएम मोदीए पण कह्युं छे के भारते इतिहास रच्यो छे। अमे भारतीय विज्ञान साहस अने 130 करोड़ भारतीयोनी सामूहिक भावनानी जीत जोई रह्या छे। भारतने 100 करोड़ रसीकरण पार करवा बदल अभिनंदन आप्या छे। डॉक्टर नर्स अने आ सिद्धि हासिल करवा माटे काम करनारा बधानो आभार। भारते कोरोनानी सामे ऐतिहासिक सिद्धि मेळवी छे। 100 करोड़ डोजनुं रसीकरण पूर्ण थयुं छे। आ तबक्के पीएम मोदी दिल्हीना आरएमएल होस्पिटल पहोंच्या हता अने आरोग्य कर्मचारीओनी साथे मुलाकात करी हती। राम मनोहर लोहिया होस्पिटलमां पीएम मोदीए आरोग्य कर्मचारीओनो उत्साह वधार्यो हतो अने साथे ज 12 दर्दीओनी साथे पण पीएम मोदीए मुलाकात करी। अमित शाहे 100 करोड़ डोजना रसीकरण पर कर्यु छे ट्वीट। ऐतिहासिक अने गौरवमय क्षण गणावी छे। प्रधानमंत्रीना दूरंदेशी अने निरंतर प्रोत्साहनना कारणे कीर्तिमान स्थाप्यो छे। भारतीय करी छे दुनियाने पोतानी क्षमताओनो परिचय तेओए कराव्यो छे। देशमां रसीकरणनो आंकड़ो 100 करोड़ने पार पहोंचता ज राज्यभरमां उजवणी। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले गांधीनगरमां रसीकरण केन्द्र पर कर्मचारीओनो उत्साह वधार्यो छे। 100 करोड़ डोजना रसीकरण पर सीएम भूपेन्द्र पटेलनुं ट्वीट छे कि मात्र 278 दिवसमां 100 करोड़नुं रसीकरण। पीएम मोदीनो हृदयपूर्वक आभार। आरोग्यकर्मी फ्रंटलाइन वोरियर्स अने देशवासीओने पण अभिनंदन। कोरोना सामे भारते 100 करोड़ रसीकरण डोज आपीने एक मोटी सिद्धि मेळवी छे अने जेनी देशभरमां उजवणी कराई रही छे। त्यारे गुजरातना आरोग्यमंत्री ऋषिकेश पटेले पण आ मुद्दे न्यूज 18 साथे खास वात करी। 100 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि पर हमसे बात करने के लिए गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल हमारे साथ हैं। सर, इस पड़ाव को किस तरीके से देखते हैं पूरे 100 करोड़ के टीकाकरण के अभियान? 21 अक्टूबर 2021 का दिन अपने भारत के इस इतिहास में सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। किसी को भी विश्वास पूरे वर्ल्ड में नहीं था कि भारत ऐसा भी कर सकता है, लेकिन अपना जो विजनरी नेतृत्व मोदी साहब और अपने हेल्थ मिनिस्टर मनसुख भाई मांडविया साहब ने ये पूरे 275 दिन में ये पूरा लक्ष्य हासिल कर लिया है। और अगले समय में करीबन मैं तो कह सकता हूँ के कोरोना की लड़ाई में हम सफल हुए। सर, पोलियो को देखें तो 20 साल लगे उसको हटाने में, टीबी को 32 साल से ज़्यादा वक्त लगा, ये महज 278 दिन में ये मुमकिन हुआ। क्या कुछ इसमें खास रहा, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने में? अपने देश में जो वायरोलॉजिस्ट है और जो वैज्ञानिक्स भी है, जो रसी बनाने का बीड़ा अपने लोगों ने जो हाथ में ले लिया और अपने स्वदेशी रसी के साथ उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, इसमें रसी बनाने वाले भी आ गए, रसी देने वाले भी आ गए, सब लोगों को मिला के अपना देश एक है और देश के लिए हम सब एक हैं। वो बात पूरे विश्व में भी प्रस्तापित की और देश के लिए नेतृत्व का बहुत बड़ा आधार रहता है। अपना नेतृत्व कैसा है, मैं तो बोल सकता हूँ कि सेंचुरी में अपना ऐसा नेतृत्व आया है कि अगले दिनों में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो विजन उन्होंने बताया है, मैं मानता हूं कि 21वीं सदी में अपना भारत हर देश के मुकाबले पूरे ताकत से खड़ा रह सकेगा, ऐसी परिस्थिति में हम आ गए। गुजरात का स्टैटिस्टिक क्या कहता है वैक्सीन के मामले में? गुजरात के अंदर 90% पहला रसीकरण हमने कर दिया है।
और जो एलिजिबल बाकी लोग हैं पहले रसीकरण के बाद के, उसमें 87% तक हम पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, न्यूज़ 18 से बात करने।